भारत तक अब नए अंदाज में। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। देश के दुश्मनों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बोल दिया है हल्ला बोल। हर रोज एक के बाद एक नापाक इरादों वाले आतंकियों को किया जा रहा है ढेर। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के भीमबर गली सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक और पाकिस्तानी आतंकी को भेज दिया है जहन्नुम। ये आतंकी LOC पर घुसपैठ कर रहा था, लेकिन भारत में घुसकर दहशत फैलाने की सजा भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे दे दी। मारे गए आतंकी का नाम हाजी आरिफ मोहम्मद है, जो पाकिस्तानी सेना में हवलदार रह चुका है। दरअसल सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में हाजी आरिफ मोहम्मद के साथ साथ आए सीमा में घुसपैठ करने 3 और आतंकी वापस भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी सेना ने आरिफ को LOC के पार आतंकियों के लॉन्चिंग पैड का कमांडर बनाया था, तो वहीं भारतीय सेना इसे बड़ी सफलता मान रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आतंकी के शव और उसके हथियार को कब्जे में ले लिया गया है। रक्षा प्रवक्ता की माने तो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। आतंकी के कब्जे से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। पूरे क्षेत्र को खंगाला जा रहा है। चलिए अब आपको पाकिस्तानी सेना के इस हवलदार आतंकी की उन हरकतों के बारे में बताते हैं जो वो भारत में करना चाहता था। दरअसल हाजी आरिफ मोहम्मद को नौशेरा सेक्टर और उसके आसपास के इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों की बारीकी से जानकारी थी। आतंकियों की घुसपैठ कराने में शातिर आरिफ पाकिस्तानी सेना में स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG को गाइड करता था। इतना ही नहीं, उसे खुरेटा में जमीन दी गई थी, जहां उसने ढांचे बनवाकर आतंकियों को रखने के इंतजाम भी किए थे। घुसपैठ की बड़ी कड़ी होने के चलते उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी आकाओं से मोटी रकम मिलती थी। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों की हरकतें हमेशा से ही ऐसी रही हैं। भारत के खिलाफ उसकी साजिशों की बड़ी लंबी लिस्ट है। कभी आतंकी हमले, तो कभी सीमा पार से फायरिंग, तो कभी आतंकी घुसपैठ। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों की साजिशों की लिस्ट लंबी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगा है, लेकिन सुरक्षा बल उसकी हर साजिश को नस्तनाबूद कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान सरहद पर सीज फायर के साथ साथ अपनी बौखलाहट भी जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें भी लगातार जारी है। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने कई आतंकियों को सीमा पार करने के दौरान ही जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। घुसपैठ न कर पाने की छटपटाहट जितनी आतंकियों में है, उतनी ही घुसपैठ न करवा पाने की छटपटाहट पाकिस्तानी सेना में है। लगातार उसके मंसूबे फेल हो रहे हैं और यह सब हो रहा है भारतीय सैन्य बलों की चौकसी के चलते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।